चने दाल से, जो कि साउथ में काफ़ी फेमस है तो और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं बनाने में। तो सबसे पहले इसका हम मसाला ग्राइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गार्लिक, 8-10 कलियाँ इसमें गार्लिक की डाल देते हैं। और ये हमारी सूखी लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे। आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी है जीरा, 1/2 टी स्पून के करीब ये डाल देंगे। और ये है हमारी सूखी धनिया, इसको भी डाल देते हैं, इसको डाल देंगे। और ये सौंफ, इसको भी हम डाल देंगे, इससे हमारा टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सभी मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। के साथ में हम ये चना दाल है, ये हमारी सोख की हुई चना दाल है। ये देखिए कितने अच्छे से सोख भी हो गई है। तो इसका अब हम बड़ा बनाएंगे। ये कटोरी हम आधी कटोरी हमने इस चने की दाल ली थी, जिसको भीगने पे ये डबल हो गई है हमारी, एक कटोरी बन के तैयार हुई है। तो चलते हैं, इसको भी मसाले के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इसको भी हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब दाल हम निकाल लेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। दाल ग्राइंड हो गई है और ये काफ़ी सूखी सूखी है, तो इससे हमारे बड़े अच्छे बनेंगे। चलिए अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। और ये जो चने की दाल हमने बचाई थी खड़ी वाली, तो इसको भी इसमें डाल देंगे, इससे काफ़ी क्रंची टेस्ट आ जाएगा हमारी बड़ों में। और इसमें हम अब डाल देते हैं धनिया, हरी धनिया डालेंगे इसमें। और इसमें ये प्याज भी डाल देंगे, प्याज डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। और इसके बाद में इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग, हींग भी डालेंगे तो हींग का टेस्ट अच्छा आता है। ये हींग भी डाल दी हमने। और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और डालेंगे नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अगर आपको और थोड़ी हरी मिर्च भी डालनी है तो और डाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इसमें सूखी मिर्च पीसी हुई थी, तो इसलिए हम हरी मिर्च इसमें यूज़ नहीं करेंगे। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा, अगर आप चावल का आटा डालना चाहें क्रिस्पीनेस के लिए, तो डाल सकते हैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब, और ये थोड़ा सा और डाल देंगे। बस इसको मिक्स कर लेंगे, इससे काफ़ी क्रिस्पी बड़े हमारे बन के रेडी होंगे। और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो अब बस इसको मिक्स करके डालते हैं। और इसमें अगर होल करना चाहें तो छोटा सा होल भी कर सकते हैं, और बस इसको डाल देंगे। इसी तरीके से हम सभी बड़े बना के डाल देंगे। गए हैं एक तरफ से, तो अब दूसरी तरफ भी इसको पलट लेंगे। इसको भी गरम ऑयल में ही डालेंगे, जब ये ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गरम हो, नहीं तो फिर हमारे बड़ों में भी जैसे ऑयल भर जाता है, ऑयल ऑयल लगने लगते हैं। अगर ऑयल में डालेंगे तो ये हमारे ऑयली नहीं लगेंगे हमें। अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम उनको निकाल लेते हैं, फिर दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। हमारे बड़े बन गए हैं, अब दूसरा फ्राई कर लेते हैं। अब देखिए हमारे चना दाल बड़ा बन के रेडी हो गए, क्रिस्पी टेस्टी। इसको आप टोमेटो सॉस के साथ, नारियल की चटनी के साथ, टमाटर प्याज की चटनी के साथ, किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं।